है डे टू और हम जा रहे हैं बाहर और नीतू रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। बाय आंटी। बाय। लिपस्टिक रंग से लगा लेती। क्या हो गया लिपस्टिक? कुछ अलग से आज लिपस्टिक लगाई है ना, चमक रही अलग से। हम चले। बहुत अच्छे ज़्यादा चमक रही है यार। और अभी हम जा रहे हैं शाहपुर चंबा। चंबा में पढ़ते हैं ना, है ना। हम जा रहे हैं शाहपुर और हमारी बस है 10 बजे की, और अगर हम लेट हो गए तो हमें बस नहीं मिलेगी और हम पहुंच नहीं पाएंगे टाइम पे, इसलिए हमें अब भाग भाग के जाना है बस पकड़ने। मम्मी अब मुझे पता चला यहाँ के लोग इतने पतले पतले क्यों हैं। ये देखो केक। हाँ मम्मा, उतरना तो आसान था उस दिन। यहाँ पे बस आती है टाइम टाइम से, बदतमीजी नहीं चलती यहाँ। लेट होने का कोई चक्कर नहीं है, हम दिल्ली वालों की तरह हर किसी में लेट पहुँचते हैं। यहाँ पे चलेगी बस टाइम से निकलना है, बस पकड़नी है, और नहीं पकड़ी तो लिफ्ट मांग के जाओ या फिर बीच में कट कट करते हुए जाना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये गाड़ी हो गई, ये छोटी छोटी सवारियाँ लेके जाती है ना। आ गई बस। अब देख लो यार। हम पहुंच गए हैं शाहपुर के बस स्टैंड, और देखने में ये इस तरह का है। मतलब यहाँ पे यूजली जो भी बस स्टैंड है ना वो इसी तरह के हैं, मतलब जैसे शहरों में होता है वैसे नहीं है। यहाँ पे एकदम प्रॉपर, मतलब पुराने तरीके से जितने भी बस स्टैंड देखे हैं अभी तक ऐसे ही बने होते हैं। ना बाबा, हालांकि मेरे फेवरेट हैं पर अभी फिलहाल नहीं खाऊंगी। उड़ा रहे हो कोई हैं? सॉरी नहीं बोलते। तो जी हम आ गए हैं गोपाल रेस्टोरेंट में, और काफ़ी अच्छा प्लेस था, मतलब लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया थी इनकी। अभी चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या ऑर्डर करना है, कुछ बढ़िया सा खाते हैं, आज पार्टी है हमारी। और बहुत ही अच्छा प्लेस है यार ये, देखो मतलब जो इसके इंटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छा था, और
एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था और सीटिंग अरेंजमेंट भी सुपरबली था। मतलब ऐसा नहीं कोई डिफरेंस हो जैसे दिल्ली में या फिर किसी भी अदर सिटी में होता है, वो वैसा ही था। तो जी हमने खाने में ऑर्डर किया था दाल मखनी, बहुत ही टेस्टी थी। मतलब दिल्ली के दाल मखनी से ना बिल्कुल ही अलग थी। और मिस्सी रोटियाँ, और ये था मशरूम मंचूरियन जो कि सुपर टेस्ट था यार इसका। टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ ट्रैवलर अगर मैं बोलूँ तो खाना काफ़ी अच्छा था इनका, बट साउथ इंडियन ना थोड़ा सा हो जाता है। मतलब वो ऑथेंटिक टेस्ट तो आपको नहीं मिल पाएगा, बट क्वाइट गुड कि आप इन्जॉय कर सकते हो अपना मील। और काफ़ी बढ़िया था, टेस्टी खाना था और सर्विस भी अच्छा था। एक बार अगर आप जाओ तो ये मंडी कांगड़ा रोड पे पड़ता है, जाके ट्राई करो। और इस वॉल पे ना लोगों ने जो भी रिव्यू लिख रखे थे टिश्यू पेपर पे, वो उन्होंने लगा रखे थे। दैट इज़ वेरी नाइस कि इन्होंने ऐसा कुछ डिस्प्ले कर रखा है। मतलब यहाँ पे कहीं मैंने ऐसे नहीं देखा दिल्ली में, बट इज़ क्वाइट गुड कि इन्होंने ऐसा रिव्यू जो है वो लगा रखे एक वॉल पे। यहाँ पे तो हमारे साथ एडवेंचर ही हो गया था। मतलब बस जो थी, लास्ट बस थी उस रूट की जो घर की तरफ जाती है, तो मतलब वो निकलने वाली थी जिसने बहुत हॉन्क किया। फिर वो बीच में गाड़ी थी, वो साइड हुई, हम जाके के उसे रुकाया बस को और फिर जाके बैठे। देखो ज़रा, बाय, थैंक यू, बाय बाय। मतलब बस में चढ़े और बस इतनी फुल थी यार, मतलब मैं तो पूरी लास्ट सीढ़ी पे खड़ी हुई थी, लास्ट एयर होता है बस का। और इतना मज़ा आ रहा था ना नीचे झाके देखने में। और पहुंच गए हैं घर हम। और यहाँ पे एक चीज़ है, गेट खोलोगे तो बंद भी आपको ही करना है बस का, कोई आके आपका गेट नहीं बंद करता, ये करना ही करना है आपको। तो जी हम आगे घूम फिर के बड़े मज़े आए, बट सबसे ज़्यादा एडवेंचर हो गया जब बस की लास्ट सीट में आए ना हम। मज़े किए, खाया पिया, घूमे, बहुत सारी जगह देखी। उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगी। सो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ओह थोड़ा सा जगह ऐसी है, देखो ऐसी जगह थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। और मज़ा आया होगा हिमाचल की ब्यूटी देख के। और एट द एंड मैं एक बात बोलूँगी, अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है ना, ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि आप 3-4 दिनों के लिए जाओ और अब माथा बच्ची करके वापस आ जाओ उस जगह से। ट्रैवल का मतलब है कि आप इंजॉय करो, स्पेशली लोकल एरियाज़, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और लोकल पीपल से मिलो, उसमें ज़्यादा मज़ा है। सो आज के लिए बाय।